नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। 69,000 शिक्षक भर्ती की आज विज्ञप्ति विभिन्न समाचार पत्रों में जारी हो चुकी है और कल से ऑनलाइन जिला आवंटन यहां पर मांगे गए, यानी कल से ऑनलाइन जिला आवेदन आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आज से ही बता देने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से आवेदन करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती आपसे ना हो, क्योंकि कल के फॉर्म में अगर आपने किसी भी प्रकार की गलती कर दी तो आप जानते हैं कि सुधार का मौका नहीं मिलेगा, साथ में आप नौकरी भी गंवा बैठेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको भरनी होंगी, क्या चीज़ आपको पहले से उस फॉर्म को खोलते ही भरा हुआ मिलेगा, कैसे आप उसको ओपन करेंगे, वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो बने रहें वीडियो को, बिना स्किप किए हुए पूरा चीज़ देख लें। 10 मिनट के वीडियो में सभी चीज़ें आप समझ जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बता दें कि कल हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भी भर के आपको कल एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर रखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही कल लिंक एक्टिवेट होगा, आप उस लिंक पर जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, जो आपने सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा था। रोल नंबर आपको देना होगा जो आपको मिला था, जो आपने एग्जाम दिया उसमें, और रोल नंबर के बाद डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। जैसे ही आप इतनी सभी चीजें फिलअप करके ओके करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जी हाँ साथियों, जो आपने उस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किया था 69 सबसे पहली बार, उसमें जो आपने नंबर दर्ज किया था, यानी कि वो मोबाइल नंबर चालू होना बहुत ही आवश्यक है। उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे आप पासवर्ड भी समझ सकते हैं। उस पासवर्ड को आपको वहां पर एक तुरंत ब्लैंक आ जाएगा, उस पासवर्ड को उस बॉक्स में भरना अनिवार्य होगा। जैसे ही उस मोबाइल में आए हुए पासवर्ड को आप भर के सबमिट करेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तुरंत आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, जो कि इस तरह से होने वाला है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक फॉर्म सबमिट यानी कि दिखने लगेगा। ये 68,500 का फॉर्म है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर 69,000 करके इस तरह से फॉर्म आपके सामने शो करेगा। यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें पहले से ही शो करेंगी, जैसे कि आपकी ये फोटो और सिग्नेचर सही जो लगी है, ये आपकी पहले से शो करेगी। यहाँ पर जो आपका रोल नंबर है वो पहले से शो करेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप किया है वो आपका यहाँ पर शो करने वाला है, और जिस जनपद के आप हैं, जिस जनपद से आपने DLED, BTC, BEd जो भी किया है, जिस जनपद से आपने आवेदन किया है, वो आपका यहाँ पर जनपद भी शो करेगा। इतनी चीजें आपके ऊपर शो करेंगी। इसी फॉर्म में जैसे ही आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी अभ्यर्थी है उसका नाम शो करेगा, उसकी माता का नाम शो करेगा, पिता का नाम पहले से ही टाइप होगा, और आपका गृह जनपद का नाम और पता टाइप होगा। हम आपको बता दें, जो चीज़ें आपको बता रहे हैं कि पहले से शो होंगी, इन सभी में आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी सुधार आप नहीं कर सकते, कुछ भी इसमें भी बदलाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपका पत्र व्यवहार का पता यहाँ पर शो करेगा, फिर यहाँ पर एक टेलीफोन यानी मोबाइल नंबर जो आपने डाला था, जिसपे OTP गया था, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करने वाला है। अगर विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन में फॉर्म भरा था, तो उनके पति का नाम भी यहाँ पर शो करेगा, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि, वो यहाँ पर शो करेगी इस प्रकार से। उसके बाद आप महिला हैं या पुरुष, वो आपने जो फिलअप किया था वो यहाँ पर शो करेगा। आपका जो वर्ग है यानी कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आपने फिलअप किया है फॉर्म, जनरल, OBC, SC, ST, याद रखें, इन सभी में कोई भी बदलाव करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, ये पहले से ही आपका यहाँ पर शो करने वाला है। विकलांग अभ्यर्थी अगर हैं, विकलांग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो उनके विकलांग की यहाँ पर डिटेल्स शो करेगी। ये जो विषय है, ये आर्ट साइड से आपने आवेदन किया है या साइंस साइड से, ये यहाँ पर शो करने वाला है, और ये शो करेगा इस प्रकार से जैसे आपने जो फॉर्म भरते समय फिलअप किया होगा। उसके बाद प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है आपने, वो प्राइमरी टेट की होगी, यानी कि UP TET, प्राइमरी टेट की, वो यहाँ पर आपकी शो करेगी। अगर आपने CTET किया है तो CTET आपने फिलअप किया होगा तो यहाँ पर CTET शो करेगा। दो चीज़ें शो करेंगी अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ये शो करेगी वो है अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता का विवरण। जी हाँ, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता का विवरण, जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट का,
बोर्ड उत्तीर्ण होने का वर्ष, अनुक्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक, अंक पत्र क्रमांक, पूर्णांक और प्राप्तांक, ये सभी चीजें शो करेंगी। ये अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि जैसे कि मैंने प्रमाण पत्र गलत भर दिया, मैंने अंक पत्र गलत भर दिया, मैंने रोल नंबर गलत भर दिया या मैंने अपने पूर्णांक गलत भर दिए, तो क्या हम इस आवेदन के समय इसमें परिवर्तन कर पाएंगे? तो हम आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर परिवर्तन करने का किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलेगा। इन सभी में, इस बॉक्स में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे का कुछ इस तरह से फॉर्म शो करेगा, यहाँ पर भी आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि स्नातक की सभी चीजें शो करेंगी, आपने डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, बीएड किया है, वो सभी से संबंधित जो भी आपने क्वालिफिकेशन फिलअप किए हैं वो यहाँ पर शो करेगा। फिर यहाँ पर आपने यूपी टेट किया है या सीटेट किया है, जो भी आपने यहाँ पर आपने डिटेल्स भरी होंगी वो यहाँ पर शो करने वाला है। उसके बाद यहाँ पर शो करेगा आपका 68,500 आयोजित जो परीक्षा हुई थी उसकी डिटेल यहाँ पर शो नहीं करेगी। ये चीज यहाँ पर, ये चीज आपको फिल करनी होगी, 68,500 की जगह 69,000 यहाँ पर लिखा होगा। 69,000 यानी कि सुपर टेट में आपने 110, 120 जो भी नंबर आपने अंक आयोजित किए हैं वो यहाँ पर आपको बोर्ड भरना होगा। साथ में आपने कितने में, यानी 150 में कितने अंक आयोजित किए, यानी कि आपने 90 किए, 97 किए, 120 किए, जो भी वो फिलअप करना होगा, और उसका कितना प्रतिशत बन रहा है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। ये चीजें आपको यहाँ पर भरनी होंगी, ये यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो इसमें जो आपने क्वालिफाई किया है, जितने अंक आपने पाए हैं वो यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर रोल नंबर वगैरह आपको डाल देना है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से फिल करनी है। गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर इस पॉइंट में आपने गलती कर दी तो समझ लीजिए यहाँ से भी मेरिट बननी है, क्योंकि यहाँ तो जो चीजें हैं पहले से फिल है, लेकिन अगर इसमें भी गलती कर दी तो इसके आधार पर भी 60% का अंक लिया जाएगा, वहां से आपको नुकसान हो सकता है। फिर उसके बाद जैसा ही आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो 14 नंबर पर पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा, यदि अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति तिथि से अद्यतन सतत कार्यरत हैं तो उनका विवरण दें। यानी कि जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी होंगे उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा, केवल उन्हीं को फिलअप करना है, आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई फिलअप नहीं करना है। यानी कि कार्यरत विद्यालय का नाम फिल करना है, विकास खंड नगर क्षेत्र का नाम डालना है, कार्यरत जनपद का नाम डालना है और शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति होने की तिथि यहाँ पर डालनी है। इसी तिथि के आधार पर शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाएगा। इस तिथि के आधार पर जितने वर्ष हुए होंगे, एक वर्ष का 2.5 यानी 2.5 अंक दिया जाएगा, उसी के आधार पर इनको भारांक दिया जाएगा। तो सही से यहाँ पर तिथि आपको फिलअप करनी है। फिर जब नीचे की तरफ आएंगे तो वैवाहिक स्थिति, यानी कि ये महिलाओं के लिए फिलअप करनी है अच्छे से। अगर शादीशुदा हैं तो आप यस भरिएगा, इसके लिए आपको एक स्टाम्प पेपर बीएसए ऑफिस में जब काउंसलिंग करवाएंगे तो वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो रहने दीजिएगा, कोई परिवर्तन मत करिएगा। उसके बाद फोटो पहचान पत्र का प्रकार यहाँ आपको डालना है, यानी कि कौन सा पहचान पत्र आप लगा रहे हैं, पैन कार्ड लगा रहे हैं, वोटर कार्ड लगा रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं या अन्य कुछ आप लगा रहे हैं वो यहाँ पर रहेगा, और साथ में उसका नंबर रहेगा। मान लीजिए आपने पैन कार्ड सेलेक्ट कर रखा है तो पैन कार्ड यहाँ पर आपका नंबर पड़ा होगा, ये पहले से ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका राष्ट्रीयता शो करेगी, इंडियन, एबीएसए सेम रहेगा। फिर यहाँ पर पूछेगा उत्तर प्रदेश निरंतर 5 वर्ष में निवास की स्थिति आपकी यस होनी चाहिए। यहाँ पर कम से कम उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से आप निवास कर रहे हो, क्योंकि सभी व्यक्ति को, सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपको यस रखना होगा, यहाँ पर कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जनपद वरीयता संख्या का विवरण। अब यहाँ पर आपको जनपद भरने, तो किस हिसाब से भरने मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरी लिस्ट होगी जिलों की, जैसे कि यहाँ पर कानपुर नगर है, उन्नाव है, कानपुर देहात है, ऐसे सभी चीजें यहाँ पर सीटों की संख्या, पूरी जिलों की संख्या बनी होगी। जिलों की संख्या के सामने आपको इस प्रकार से एक बॉक्स मिलेंगे, सभी जिलों के संख्या एक बॉक्स मिलेंगे आपको इस प्रकार से। उस बॉक्स में आपको केवल क्रम संख्या भरनी है, यानी कि मान लीजिए हमें कानपुर देहात यहाँ पर देख रहे हैं 3 नंबर पर है, कानपुर देहात यहाँ पर 3 नंबर पर है और हम कानपुर देहात के जिले के रहने वाले हैं, कानपुर देहात को हम 1st नंबर पर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 1 नंबर फिल करेंगे। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, मान लीजिए कन्नौज हमारा 7वें नंबर पर है और इसको हम 2nd नंबर पर इसको ऑप्शन लेना चाहते हैं कि हम 2nd नंबर पर कन्नौज में काउंसलिंग करवाना चाहेंगे, तो यहाँ पर हम जो है 2 नंबर फिलअप करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये अंक डालने होंगे, जो जिस नंबर पर होगा वो यहाँ पर आपको देना होगा। ये फिर आपने आप सीरियल नंबर पर जब प्रिंट निकालेंगे तो ये सीरियल नंबर पर आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके आ जाएगा।
इसी प्रकार से आगे की लिस्ट भी आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो जिले हैं सारे 75 जिले आपके इस प्रकार से शो करने लगेंगे। आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार से पूरे 75 जिले आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। 75 जिलों के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना अनिवार्य है, ये याद रखिएगा, एक भी जिला यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक घोषणा लिखी होगी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, यहाँ पर साफ तौर पर सभी चीजें दी होंगी कि यहाँ पर देखिए मैं शपथ पर पूर्वक जो यहाँ पर जो आप ले रहे हैं सभी चीज सही है कि नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त जो प्रविष्टि है जो भी चीजें आप फिल कर रहे हैं मेरे सहायक अध्यापक भर्ती 2019 की यानी कि 18 की हेतु जो भी रहेगा उसमें आवेदन की गई प्रविष्टियों एवं मूल अभिलेखों पर आधारित है, यानी कि जो भी आपने फिलअप किया है उसके मूल अभिलेख आपके पास है एवं मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य है, मुझे विज्ञापन में दी गई समस्त शर्तें मान्य हैं, मैं प्राथमिक स्तर की अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण हूँ। ये भी यहाँ पर देखिए सभी चीजें सही से समझ लीजिए, यदि चयन के पूर्व अथवा बाद में जांच उपरांत कोई विवरण असत्य तथा गलत पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने का मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। साफ तौर पर यहाँ पर आप सिग्नेचर कर रहे हैं, आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि के पूर्व से मेरे पास उपलब्ध हैं। वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं तथा उत्तर प्रदेश में निवास करने का प्रमाण पत्र मेरे पास आवेदन की तिथि को उपलब्ध है। जनपदवार नियुक्ति के सापेक्ष मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए जनपद की वरीयता मुझे स्वीकार है, जिसमें परिवर्तन हेतु मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। सहायक अध्यापक भर्ती 2019 ऑनलाइन आवेदन में के समय मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टि को नियुक्ति हेतु आवेदन में विचार किए जाने पर मेरे द्वारा पूर्ण सहमति प्रदान की जाती है, यदि कोई सूचना गलत पाई जाए तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। तो ये फॉर्म को बहुत ही अच्छे से फिल करना है, कोई गलती आपको नहीं करनी है। मुझे उम्मीद है कि सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार हम आपको बता दें कल स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फिलअप करके फॉर्म भी हम आपको बताने वाले हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें।